आपकी पार्टी एक्चुअली में हिस्सा ले रही है, तो क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं कि आपकी पार्टी और बाकी किस तरह रहेगा सूरत हाल? देखें, हम इलेक्शन में उतरे हैं, तमाम पार्टियां इलेक्शन में उतरी है सेनेट के हवाले से, तो हमारे कोशिश यही है कि हम अपने कोलिशन को साथ लेके चलें, और अगर हम कोलिशन को साथ लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह जो हमारा टारगेट है या हमारी सोच है हमारी पार्टी की, हमारे कायदीन की, तो उसको हम अचीव कर सकते हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा अफवाहें हैं कि 70 करोड़ रुपए एक सीट के लिए खर्च हो रहा है, वहाँ पार्टी कितना खर्च कर रही है? देखें, ये तो बातें हैं, लोग कर सकते हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि 70 करोड़ का एक वोट बिकेगा। तो आप अंदाज़ा लगा लें, अगर 70 करोड़ का एक वोट बिकेगा तो अगर 9 या 10 वोट हो या 22 वोट हो तो उस पर कितने पैसे खर्च होंगे? आप लोग तो बोलते हैं, बोलने दो लोगों को, लेकिन बलूचिस्तान एक रिवायती और कबायली सूबा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग कह रहे हैं। अब हम ये कहते हैं, अगर वो ये कह सकते हैं तो बात फिर चली जाएगी। अब अगर सिंध में से ज़्यादा मंडी लग रही हो, पंजाब में ज़्यादा लग रही हो या KPK में ज़्यादा लग रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जमहूरी लोग हैं, कबायली लोग हैं, एक दूसरे का जो है ना जमहूरी अमल से हम सियासत में आए हैं, और जमहूरी अमल से जो ये इलेक्शन जो है ना इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुँचेगा। सर खान साहब, इतना कंट्रोवर्सी चल रही है अब्दुल कादिर बलोच को, अब्दुल कादिर को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी बाप पार्टी के उमरानी और लैला तरीन ने जो है वो उनकी तारी तजवीज़ की है, तो इस पर आप क्या कहेंगे इतने कंट्रोवर्शियल मामले के बावजूद भी, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ है वो आपकी इत्तेहादी भी है, तो उन्होंने उनको रिजेक्ट किया और आपने एक्सेप्ट किया? देखें, अभी तक तो मुझे ऐसा मेरे तक नॉलेज में नहीं है कि किसने उसको सेकेंडर किया, किसने प्रपोजल किया है, क्योंकि मैं सुबह से यहीं पे था और पार्टी की मीटिंग भी थी, उस मीटिंग में भी मैं नहीं जा सका। इसके हवाले से मैं कमेंट नहीं दे सकता क्योंकि मैं इसके हवाले से खुद क्लियर नहीं हूँ। अगर क्लियर होता तो ये बात भी मैं आपको क्लियर बता देता। तो आपके साथ बैठे थे? उसके साथ मेरी ये बात नहीं हुई क्योंकि वो अपने कागजात में था और मैं अपने कागज़ों में लगा हुआ था कि उसमें कोई चीज़ें मिसप्लेस ना हो, तो उस हवाले से मेरे इस मुतलिक बात नहीं हुई। सिर्फ ये उसने कहा कि मैं आज़ाद कैंडिडेट के हिसाब से आया हूँ। अगर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो क्या कार्रवाई अमल में लाएंगे? देखें, फिर मैं, हमारे प्रेसिडेंट भी है, पार्टी भी है, हमारी कोर कमेटी है, फिर हम बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच।